वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा सिग्ना DS4 कट्स, जो आपकी गाड़ियाँ अक्सर आपकी गाड़ियाँ दबती है और दबने का शिकायत रहता है, प्रॉब्लम रहता है। तो कुछ देख सकते हैं, हम लोग साइलेंसर में हवा मार रहे हैं, इसके अंदर प्रेशर दे रहे हैं, इसमें हवा भर रहे हैं। तो इसमें से जो डस्ट होता है फ्रेंड, यूरिया का डस्ट जो होता है, कार्बन बन जाता है इसके अंदर। तो इसके कारण हमारा गाड़ियाँ दबने लगती है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग, ज़्यादा इसमें डस्ट नहीं निकल रहा है, तो इसको हवा भी दे सकते हैं, हवा मार सकते हैं इसके अंदर। आपकी गाड़ियाँ कभी अगर ऐसा आता है कि ड्राइवर या गाड़ी चालक बोलते हैं कि आपको कि गाड़ियाँ हमारी दबती है, प्रॉब्लम करती है, तो इस तरह से आप लोग को जो गाड़ी आपके कार्गो में जाती है तो अपने पास आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये साइलेंसर जहाँ पर हमारा नॉक सेंसर रहता है, यानी यूरिया जहाँ पर छिड़काव करता है, वहाँ पर अक्सर गल जाता है। तो उसके लिए भी इसमें हम लोग किए हैं काम। तो इसमें हवा मारने का कारण ये है फ्रेंड, कि जो हमारा यूरिया जो जलता है साइलेंसर के अंदर, आपको पता है यूरिया किस लिए दिया हुआ है, किस कारण से यूरिया इसमें छिड़काव करता है। तो यूरिया जब छिड़काव करता है तो उसमें कार्बन बन जाता है। तो इसके कारण ये साइलेंसर में जो हमारा डस्ट होता है, यानी धुआँ या आप लोग हवा समझ सकते हैं, वो पास नहीं होता है, तो इसके लिए गाड़ियाँ दबती है इसकी। तो ये देख सकते हैं, इस पर कुछ हल्के हाथों से कोई टायर लीवर या कोई टामी लेकर आपको हल्का हल्का इस पर थोड़ा सा देना है, मारना है इस पर, और उसके बाद फिर से हवा मारना है इसमें। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि नॉक सेंसर जो है फ्रेंड, उसको भी दिखाऊंगा किस तरह से आपको साफ़ करना है और नॉक सेंसर किस तरह से रहता है इसका। तो ये देख सकते हैं हम लोग इस पर हल्का हल्का मार रहे हैं इसके ऊपर, ताकि जो डस्ट इस पर जमा हो, कार्बन जमा हो, वो निकल जाए। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियाँ जाती है कार्गो के अंदर और ये साइलेंसर को सर्विस करते हैं वो लोग, हवा भी मारते हैं, नॉक सेंसर को सर्विस करते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने पास ही कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग हवा मार रहे हैं, कारण इसमें ज़्यादा नहीं था फ्रेंड, ये साइलेंसर गल गया था, यानी सड़ गया था यहाँ से जहाँ पे नॉक सेंसर रहते हैं वहाँ पे। अब चलिए आपको दिखाता हूँ नॉक सेंसर किस तरह से रहता है और क्या उसका चीज़ है वो। तो ये देख सकते हैं, ये है नॉक सेंसर जो हमारा यूरिया को छिड़काव करता है। एक तरह से समझ जाए तो हम लोग नोजल यानी इंजेक्टर, ये यूरिया छिड़काव के लिए इंजेक्टर ही है। ये है नॉक सेंसर, ये देख सकते हैं इसके अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको अगर आपको सर्विस करना है, आपके पास अगर सर्विस करना है इसको, तो इसको गर्म पानी में सर्विस करना है। ये चीज़ का ध्यान रहे कि गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहद सुविधा रहेगा इसके लिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे छेद इसके अंदर हैं, चार छेद हैं इसके अंदर में, जो यूरिया को छिड़काव करता है। जिस तरह से हमारा इंजेक्टर में छः छेद रहते हैं होल, इसके अंदर में चार ही हैं। तो ये है नॉक सेंसर फ्रेंड, और इसको कभी भी आपको सर्विस करना है तो गर्म पानी के अंदर से सर्विस करना है। तो ये है यूरिया का नॉक सेंसर जो यूरिया छिड़काव करता है साइलेंसर के अंदर में। तो यहाँ पे चार ही छेद हैं इसके अंदर, कभी आप खोलें तो इसको पाइप रिंच या 33 नंबर का रिंच आता है उससे खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो पाइप रिंच से खोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसका नॉक सेंसर है फ्रेंड। अब इसको फिटिंग के बारे में बताऊंगा किस तरह से आपको फिटिंग करना है, कुछ खास नहीं है। ये नोजल, ये इंजेक्टर यानी इंजेक्टर की तरह ये काम भी करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं फिटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको चाकी को मैंने नट को टाइट कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड आपको कार्गो में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पास ही सर्विस कर सकते हैं साइलेंसर को, अगर गाड़ियाँ दबती है आपकी तो, और इसका डस्ट निकाल सकते हैं, कार्बन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और सॉल्व होल भी जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पाइप रिंच से हम लोग टाइट कर रहे हैं इसको, हमारे पास रिंच नहीं है तो इसको हम लोग पाइप रिंच से ही टाइट करेंगे। अब ये हो गया, अब चलते हैं इसका वायर को लगा देते हैं, यानी पाइप को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हल्के हाथों से दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। और खोलने के समय में इसको पुशिंग करना है फ्रेंड, जब दो उंगली से दबाएंगे इसको तो पुश होकर ये निकल जाएगा। अब ये हो गया कंप्लीट, ये देख सकते हैं नॉक सेंसर कंप्लीट हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि साइलेंसर कहाँ पे ये सड़ा हुआ था, यानी गल गया था। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे गल गया था ये साइलेंसर, क्योंकि यहाँ पर यूरिया का छिड़काव ज़्यादा आता है नॉक सेंसर के पास में, तो इसके लिए गल जाता है यानी सड़ जाता है। तो इसके लिए भी खोला गया था और सर्विस के लिए भी खोला गया था, ताकि हमारा गाड़ियाँ अगर दबती है तो ये भी काम हमारा हो जाए। तो इस तरह से आप लोग साइलेंसर को सर्विस कर सकते हैं, और करना है आपको तो
बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, गाड़ियाँ नहीं दबेंगी। अब ये देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर, ये है टेम्परेचर सेंसर। अब इसको भी हम लोग फिट करते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर ये है फ्रेंड, कितना हमारा टेम्परेचर से धुआं आ रहा है उसको ये कलेक्ट करता है, और इसमें 13 नंबर का रिंच लगाना है, तो ये भी आसान है। इसमें 3 सेंसर दिए हुए हैं, तो ये तीनों सेंसर आसानी से खोलना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसको भी मैंने 13 नंबर के रिंच से, चाबी रिंच से टाइट कर दिया। अब चलते हैं, यहाँ पे जो ये सेंसर है फ्रेंड, ये कलेक्ट करता है कि हमारा कितनी मात्रा में धुआँ इसमें आ रहा है, तो ये कलेक्ट करता है ये। तो इसको 21 नंबर के रिंच से टाइट करना है, चाबी रिंच से। अब इसको भी टाइट कर लेता हूँ मैं अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड ये इस तरह से आप लोग सर्विस कर सकते हैं साइलेंसर को, कार्गो में टाटा टेल्को में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ही इसको पूरा काम कर सकते हैं, जो कि गाड़ियाँ दबने का शिकायत के कारण ये हम लोग सर्विस करते हैं अपने पास ही। और यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्परेचर सेंसर का वायर भी ध्यान से लगाना है, ताकि टूटे नहीं, क्रेक नहीं हो। और ये हमारा नॉक सेंसर भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को ऑल कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और लाइक करना ना भूले फ्रेंड, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।